हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन को निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम जानते हैं कि sec x का प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था आपको केवल साइन कॉस और टेन का, तो क्यों ना sec x को हम cos x में बदल दें। तो sec x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos x, तो cos x इज इक्वल टू सॉरी cos x लिखते हैं, cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x होता है। तो हम क्या इसको 1/2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हमारा हो गया cos x में। अब cos x में हम देखते हैं कि 1/2 कब आता है, तो पाई बाई 3 पर आता है। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कहां कहां पे ये पॉजिटिव हो सकता है, तो हम कहते हैं एड शुगर टू कॉफी। और इस पर हम देखते हैं यहां पे ऑल पॉजिटिव हो जाता है और यहां पे साइन और कॉसेक हो जाता है, यहां पे टेन और कॉट हो जाता है, यहां पे कॉस और सेक हो जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी हमको, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए 2 पाई में से समथिंग माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस सॉरी 2 पाई में से ही तो माइनस करना है, पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 और cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 3 6 में से 1 पाई माइनस 6 पाई में से 1 पाई माइनस हो जाएगा, तो 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2। तो ये है हमारा निकल के आ गया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर x इज इक्वल टू पाई बाई 3 सॉरी एंड 5 पाई बाई 3। जबकि जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो अगर cos x इज इक्वल टू cos y होगा तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमने बताया हुआ है आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे cos y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे cos y इज इक्वल टू है पाई बाई 3 यहाँ पे y इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। हम छोटे वाले एंगल को लेते हैं जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन के, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। देखा स्टूडेंट्स हमें कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।